अगर आपको बात करनी ही है तो उसे कहें जो पैसे मैं आपसे लेके उसे देती रही हूँ वो वापस करे और मुझे डाइवोर्स दे। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, इस फैसले तक पहुँचने में मेरी मदद करने का शुक्रिया। बेटा, मेरी सारा से डिटेल में बात हुई है, अब उसने मुझे क्या कहा है मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप पुरानी बातें भूल के आगे की जिंदगी का सोचो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, इतना सब कुछ हो चुका है और आप चाहते हैं मैं सब भूल जाऊँ? खास तौर पे वो जो सारा ने किया मेरी बहन के साथ, क्या वो सब भुला जा सकता? बेटा, मुझे एहसास है पिछली बातों का बहुत तकलीफ देती, लेकिन अब जो होने वाला है तुम्हें पता चलेगा पिछली सब बातें भूल जाओगे। सारा उम्मीद से है। विशाल, बेटा तुम्हें बॉस बुला रहे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आ जाओ। अरे अर्शियान। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा तुम कब आए? जी बस अभी आया हूँ, अंकल ने बुलाया था। अच्छा चले बेटा, आपकी आंटी भी आ गई हैं। जब तक आप इनसे बातचीत करें, मुझे एक बहुत जरूरी काम है वो मैं करके आता हूँ, तब तक सारा भी आ जाती है। थैंक यू सो मच। बैठो बेटा। नाजिश के बारे में आपको पता तो लग गया होगा, उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। जी सर। हाँ, वो आपकी तारीफ बहुत कर रही थी कि आप बहुत एक सेल्फ मेड हैं और शाम को क्लासेस भी लेती हैं। नाजिश की जगह पे काम करोगी? मतलब सुपरवाइजर? हाँ। लेकिन मैं कैसे, शायद मुझसे ना हो पाए। मुझे यकीन है आप कर लोगी, क्योंकि आप मेहनती लड़की हो। अभी मैं तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ा रहा हूँ। 15,000 पहले थी, 10,000 ये, 25 हो जाएगी। मगर तुम छुट्टी नहीं कर सकोगी, हर सूरत आना पड़ेगा तुम्हें। और जब तुम काम सीख जाओगी तो तुम्हारी सैलरी 40,000 कर देंगे। 40,000? 40,000। थैंक यू सर। बस वेलकम। कहाँ रही सारा? बेटा बता कर नहीं गई, फोन ट्राई कर रही हूँ उसको मगर पिक नहीं कर रही है। दोबारा ट्राई करती हूँ। लो आ गई सारा। अर्शियान कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, हम कॉल्स कर रहे हैं तुम्हें, तुम फोन ही नहीं पिक कर रही हो। मामा मुझे रेस्ट करना। सारा बेटा, अर्शियान आया हुआ है। खैरियत, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? कहा तुमने? सुना नहीं तुमने? दोबारा बता देती। एक बार मुझसे पूछ तो लेती, तुमने तो मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। क्यों, तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले? तुम्हारा शोहर मैं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मुझे उस घर से निकाल चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही डिवोर्स दे दो, वरना एक दो दिन में मैं कुला को नोटिस भिजवा दूंगी तुम्हें। मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि सब कुछ भुलाकर तुम और मैं एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, लेकिन तुम। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुकी हूँ और उसमें तुम कहीं भी नहीं हो। Thank you.
ये क्या किया तुमने सारा? अर्शियान तुम्हें मनाने के लिए आया था। मानने मनाने का वक्त तो गया, अब तो पैरों तले जमीन निकालने का वक्त है। शाइस्ता खैरियत से पहुंच गई हो तुम? नवीद भाई कैसे हैं? मेरा सलाम कहना उन्हें। मैंने तुम्हारा रिटर्न टिकट करवा दिया था, अगर डेट्स आगे बढ़वानी हो तो मुझे बता देना। ये लो शराज, आगे इससे बात कर लो। कौन है? तुम्हारी मामा है, अमेरिका पहुंच गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। नवीद मामू कैसे हैं? चलें, मेरी तरफ से सलाम लीजिएगा और तबीयत भी पूछ लीजिएगा, मुझे अपना ख्याल रखिए। डैड, मैं सोच रहा था कि शांजे को ले आऊं। बाप हो तुम उसके, खून है वो हमारा, जरूर लेकर आओ। मोहसिन, सारा ने अर्शियान के साथ घर जाने से इंकार कर दिया है। बस आप जल्दी से घर आइए, फिर मैं डिटेल में बात करूंगी आपसे। शादी करोगी मुझसे? बहुत पछता रहा हूं मैं अपने किए पर। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। आयशा, खाना खा लो। समीना आप ही? एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आपने फैसल भाई को इसलिए माफ किया था ना कि आप तंग आ गई थी जाहिद भाई की बातों से, अम्मी से, इस घर से? हाँ आयशा, मैं भी उसे माफ कर दूंगी। किसको? किसकी बात कर रही हो तुम आयशा? आपको नहीं, भाभी को बताऊंगी, क्योंकि वो ही एक मेरी है इस घर में। आयशा इधर मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें अपनी नहीं लगती? मेरे लिए जो रिश्ता आया था आप ही ने बताया था ना? हाँ आयशा, मगर मैं तुम्हारी शादी वहाँ थोड़ी होने देती, और मुझे क्या पता था कि लड़का इतनी बड़ी उम्र का होगा। फिर भी अगर आप मेरी होती तो ऐसा रिश्ता आने ना देती। भाभी दूसरे घर से आई हैं, लेकिन वो मेरे लिए डट गई, मगर आप मेरी बहन होके भी मेरी नहीं बन पाई। हाँ आयशा, ये बात सच है कि मिशाल सगी बहनों से बढ़ के हमसे मोहब्बत करती है। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो खाना खा लो। अम्मू, मैंने जब आप सीधे रास्ते पे चलने का फैसला कर ही लिया है तो मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने एक और लड़की को धोखा दिया है, इसका नाम आशा है, और वो मेरी वजह से जेल भी गई है। कल उसका मैसेज आया था, बहुत परेशान है मैं। प्लीज आप मदद कीजिए उसकी, और वो कोई गलत कदम ना उठा ले। आप प्लीज कुछ कीजिए अम्मी।
सुना नहीं तुमने? दोबारा बता देती। एक बार मुझसे पूछ तो लेती। क्यों? तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले? तुम्हारा शोहर हूं मैं। बेहतर होगा कि तुम खुद ही डिवोर्स दे दो, वरना एक दो दिन में मैं खुला का नोटिस भिजवा दूंगी तुम्हें। अब क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? देखो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज अगर दो मिनट मिलके बात हो सकती है तो प्लीज। अच्छा ठीक है, आ जाओ। थैंक यू सो मच। क्या बात करनी? देखो फायजा, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हम लोग सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहाँ सिर्फ तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारी शान से। और वो तुम्हारी दूसरी बीवी? फायजा देखो, मैंने उससे शादी सिर्फ डैड के प्रेशर में आके की है। ठीक है, तो तुम अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दो। फायजा देखो, बात को समझने की कोशिश करो, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे डैड की जायदाद को छोड़ना पड़ेगा। देखो हमें इस जायदाद की जरूरत हो ना हो, लेकिन हम अपनी बेटी को तो इससे महरूम नहीं कर सकते ना। देखो हमें थोड़ा सियासत से काम लेना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले तो मेरे घर आना होगा, अपनी अहमियत को साबित करना होगा और मॉम डैड को कायल करना होगा कि तुम मेरा सबसे बेहतरीन इंतखाब हो। और जब ऐसा हो जाएगा आई प्रॉमिस यू हम लोग अलहदा हो जाएंगे यहाँ से, हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा साथ दोगी ना? ये जाग रही है? समझ लो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने घर। शिराज तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। शिराज तो मेरे साथ ऐसा नहीं। छोड़ो मुझे। शिराज छोड़ो। छोड़ो शिराज मेरी बच्ची। अम्मी, अम्मी। क्या? कैसे मगर? यही होगा। प्लीज अम्मी चले। चलो बेटा। शिराज रुक जाओ शिराज। विशाल, अरे वाह, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। गेस करें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे की खुशी से तो लग रहा है कि कुछ अच्छा ही हुआ है, खुद ही बता दो तुम। मुझे फैक्ट्री में प्रमोट कर दिया और सुपरवाइजर बना दिया। सच? जी, और आपको पता है मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। विशाल ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू समीना आपकी। पता है तुमने इतनी मेहनत की है ना, और उस मेहनत का फल अब तुम्हें मिला है। जी। अच्छा विशाल मेरी एक और बात सुन, अम्मी और साहिद को तुम्हारी सैलरी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि बढ़ गई है, वरना वो तुम्हारे पास कुछ रहने ही नहीं देंगे। अब प्लीज थोड़े अच्छे कपड़े बनवा लो, अब तो तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई है। ठीक कह रही है समीना, आप भी ऐसे ही करूँगी, और मैं सोच रही हूँ फैक्ट्री से कुछ एडवांस ले लूँ आयशा की शादी के लिए, और फिर मेरी सैलरी से कुछ थोड़े थोड़े पैसे कटते रहेंगे।
रहे तो बहुत अच्छी बात है। आयशा कैसी है? बेहतर है, पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पता नहीं शायद कोई बात करना चाह रही है तुमसे। अच्छा चलो मैं समझ गया। ठीक है। क्या अहमद, उसने तो तुम्हें धोखा दिया था ना? बहुत पछता रहा है वो भाभी, माफी मांग रहा था। जैसा भी होगा भाभी, इस रिश्ते से तो बेहतर ही होगा जो जाहिद भाई और अम्मी ने मेरे लिए देखा है। तुम्हें पता है ना, उसकी शादी आयजा से होने जा रही थी। उसने सब बता दिया मुझे भाभी, और वाकई उसकी बातों से ऐसा लग रहा था उसके दिल में कोई चोट नहीं है। आप मिलेंगी ना उससे? अच्छा मुझे उसका नंबर दो। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग इस काबिल नहीं है, मगर अर्शियान और मिशाल ने मिलकर तुम्हें इस जहन्नुम में झोंक दिया। काश ये तुम्हारी बच्ची ना पैदा हुई होती तो आज ये नौबत ना आई होती। अम्मी आप तो ऐसा मत कर, वो मेरी बेटी है, उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। भाई भाई, वो शिराज मेरी बेटी को मुझसे लेके चला गया। अर्शियान तुम कुछ करो ना। क्या करूं मैं, वो जितनी फायजा की बेटी है उतनी शिराज की भी है। कि क्या कह रहे हो तुम, इसकी हालत देख रहे हो? बहन है तुम्हारी, तुमसे कितनी उम्मीदें लगाई बैठी कि तुम इसकी बेटी से वापस ला के दोगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मसला खुद देखे वो। अर्शियान, अर्शियान मेरी बात सुनो, क्या हो गया इस लड़के को? मैं जा रही हूँ अम्मी। तुम कहाँ जा रही हो? आपने सुना नहीं कि भाई ने क्या कहा? जिसका मसला है वो खुद ही देख ले, मेरा मसला है ना मैं खुद देख लूंगी। बेटा मेरी बात तो सुनो। फायजा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद बात कर रहे हैं? जी जी बोलिए। जी अहमद, मैं आयशा की भाभी बात कर रही हूँ, मिशाल। ओ जी कहिए। क्या हम मिल सकते हैं, मैं आयशा और आप? जी जरूर, क्यों नहीं, बताइए कब मिलना है। वो मैं आपको बता दूंगी, बल्कि आपके नंबर पर टेक्स्ट कर दूंगी। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। शिराज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे पांव पड़ जाऊंगी। तुम मुझे जिस हाल में जिस तरह रखोगे मैं रह लूंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, सबकी गुलामी करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे भी कोई शिकवा कोई शिकायत कुछ नहीं कहूंगी। अम्मी, 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 क्या हुआ? फायजा!